अस्सलाम वालेकुम, बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। एक पाव सूजी ली है मैंने और नारियल, बादाम, छोटी इलायची। सूजी को हम फ्राई करेंगे कम से कम 10 से 12 मिनट तक और थोड़ा सा डालेंगे इसमें घी। अब करनी है इसकी अच्छी तरीके से भुनाई जब तक इसमें अच्छी तरह खुशबू नहीं आ जाती। देखें, सूजी हमारी भुनने पे आ चुकी है। आपको कम से कम 2 से 3 मिनट और भुनना है, फिर आगे का प्रोसीजर बताती हूँ मैं आपको। सूजी हमारी भुन चुकी है, अब हम इसको निकालते हैं। सूजी हमने भुनने के बाद निकाल ली है और इसमें से थोड़े से कर दिए हैं बादाम ऐड, और चीनी हमने 3 गिलासे लिए हैं। वो गिलासे का मेरा अपना हिसाब है, जितना आपको मीठा पसंद है उसके हिसाब से आप रखिएगा। अब हम डालेंगे कढ़ाई में घी। कढ़ाई में हमने दोबारा घी डाल लिया है और इसमें डाल दी है इलायची कूट के। चीनी और सूजी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो रहा है इलायची के साथ। इलायची हमारी अच्छी तरह कड़कड़ा गई थी तो हमने इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। अभी हमने डाला है 1 गिलास पानी और आधा गिलास और डालेंगे इसके अंदर। ये आधा गिलास और ऐड कर दिया है हमने। इसी तरह चलाएँगे। 1.5 गिलास पानी डालने के बाद अब इसका इंतजार किया करेंगे हम जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। अब हम डालेंगे सूजी और चीनी जो हमने मिक्स कर दिया है। इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे। आँच को धीमा रखिए, आँच को धीमा रखिएगा। फिर इसको चलाते रहना है, आँच स्लो रखनी है और इसी तरह चलाना है, इसी तरह चलाना है ताकि उसमें भुटी ना पड़े। इसमें कर रहे हैं नारियल ऐड और थोड़े से बादाम, सब चलाना शुरू करेंगे इसको। देखिए, मुसलसल हम जो सूजी के हलवे को चला रहे हैं। अब लगाएंगे हम 1 से 2 मिनट के बाद दम पर इसको। अब हम दोबारा ऐड कर रहे हैं नारियल, बादाम। अब लगा रहे हैं हम इसको दम पर। सूजी का हलवा हमने दम पे लगा दिया है। हम मिलते हैं आपसे 2-3 मिनट के बाद। अब हम हलवे का दम खोल रहे हैं। दम हमारा हो चुका है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। मज़ेदार सूजी का हलवा तैयार है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।